कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। हजारों की तादाद में लोग उनको अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने जा रहा है और इसलिए ये एकता का प्रतीक है। जींद में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ये जींद जिले की राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता खबर और जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं वो तस्वीर है जींद में। आज रणदीप सिंह सुरजेवाला की रैली है, लेकिन पोस्टर कुछ खास है। आज इस पोस्टर में आप देखेंगे कि कांग्रेस के सभी नेताओं के फोटो, सेंटर में अगर आप देखें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयपान दोनों का फोटो है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सब नेताओं के आपको किरण चौधरी यहाँ पर दिखाई देंगी, कुमारी सैलजा आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और रणदीप सिंह सुरजेवाला आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हालांकि किरण चौधरी और कुमारी सैलजा का देखे तो पोस्टर बड़े हैं, लेकिन उदयपान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अन्य नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ वहाँ पर शामिल किया गया। ये रघुवीर भारद्वाज की आज यहाँ पर एक रैली है जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला आने वाले हैं। अभी रैली शुरू होने में टाइम है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि लोगों की जो भीड़ है वो खूब सारी भीड़ यहाँ पर लोगों की पहुँच चुकी है, कुर्सियाँ लगभग सारी भर चुकी हैं, लेकिन अब भी मैं फिर कह रहा हूँ कि टाइम बहुत है और आप दाएं बाएं बाहर जहाँ भी देखेंगे आपको आदमी दिखाई देंगे। और इस मुद्दे पर हम कुछ लोगों से बातचीत की भी कोशिश करेंगे कि पोस्टर वार जहाँ रहता था यहाँ पे पोस्टर वार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पर कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं ये हम उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। आ जा। आज मैं जो ये पोस्टर देख रहा हूँ ना, इसमें खास बात ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयपान को भी शामिल किया गया, मतलब पोस्टर वार खत्म होगी। ये कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और हरियाणा की 70+ सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और इसी कड़ी में आज जो रघुवीर भारद्वाज द्वारा ये आप देख रहे हो भव्य आयोजन, हजारों की तादाद में लोग उनको अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुनने के लिए पहुंचे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो क्या आने वाला समय कांग्रेस का है। एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने जा रहा है, तो ये भी माने कि जो गुटबाजी हो रही थी पोस्टर में तो खत्म हो ही गई। आज कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, मैंने आपको पहले ही बोला सत्यदेव भाई, और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। और इस तानाशाही सरकार को, खट्टर दुष्यंत की जोड़ी को गंगा पार असलियत में कांग्रेस पार्टी करेगी। अब की बार कांग्रेस पार्टी करेगी। आज भाई इतना क्यों सर मारे आज? आज मैंने एक चीज खास देखी है कि जो पीछे पोस्टर लगा हुआ ना उसमें सारे ही नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयपान भी है, किरण चौधरी सैलजा ये तो है ही, पर हुड्डा और उदयपान दोनों भी हैं। मान के चले पोस्टर वार खत्म हो गया। देखिए ऐसा है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव है जो रणदीप सिंह सुरजेवाला और राहुल गांधी जी के साथ चलते हैं, ये संगठन के आदमी का प्रोग्राम है और कांग्रेस एक है। यही दिखाने का हमने कोशिश की है कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, ये हमारा अधिकार बनता है, चाहे हमारा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे CLP लीडर हो, चाहे अन्य नेता हो, सीनियर नेता, सबके फोटो बहुत जरूरी है और इसलिए ये एकता का प्रतीक है। लेकिन एक एकता की और मेरे ख्याल से अब लोगों को यहाँ पर कोशिश करेंगे लोग देखने, लोकल जो उड़ा ग्रुप के जो नेता क्या वो भी पहुँच रहे हैं? हाँ, सबको इन्वाइट किया है, जितने भी साथी कांग्रेस पार्टी के जींद जिले के सबको इन्वाइट किया है। जींद में क्या मान के चले कि कांग्रेस अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जींद में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और जो बाहर के नेता हैं, चाहे वो JJP हो, जो सरसा से आके यहाँ राजनीति करते हैं, कुछ लोग और बाहर से आके राजनीति, ये जींद जिले की राजनीति है और जींद जिले का बांगर का बेटा जो कि आज देश के सर्वोत्तम पद पर है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव है और कर्नाटक की जीत का अधिकार किसी को है तो बांगर के बेटे को है, इसलिए बांगर की धरती पे बांगर को लोग ही करें। पोस्टर के बाद ये भी मानने की CM वाली लड़ाई भी खत्म हो रही है? देखिए ऐसा है, CM की जो लड़ाई है वो हाईकमान तय करता है, MLA तय करते हैं, हमारा काम है व्यवस्था परिवर्तन लाने का। रणदीप सिंह सुरजेवाला की इस रैली में एक मैसेज देने का कोशिश की जा रही है कि हरियाणा कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, सब एक है, पर अभी साफ नहीं लगता कि फूट खत्म होने जैसी कोई बात है। खैर, अब देखना ही होगा कि एक प्रयास जो यहां से किया गया वो प्रयास आगे बढ़कर कहां तक जाता है। कैमरा सचिव मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।